नंबर चार जो है ना राहु का नंबर है तो बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने की फोर्थ को थर्टीन को ट्वेंटी सेकेंड को और थर्टी फर्स्ट को पैदा हुआ है तो वो राहु रूल्ड हो गया इसको कोई भी दिन असाइन नहीं किया गया जैसे दूसरे प्लैनेट्स को असाइन किया गया इसको कोई दिन असाइन नहीं किया गया है है ना सो so, जबरदस्त है और इसका ना एक ट्रेट है कि माई विश मेरी मर्जी मैं अपने हिसाब से करूँगा भाई तुम्हारे हिसाब से नहीं मैं अपने हिसाब से करूँगा तो ये हार्ड वर्क पे बहुत बिलीव करता है और हाथ वाले कामों में बड़ा अच्छा है जैसे स्टेपनी बदलनी हो गई है कुछ ऐसा काम जो इसमें हाथ इन्वॉल्व है है ना हार्ड वर्क है प्रोसेस है डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइज है 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 ना एंड पेशेंट लॉयल है मतलब स्टिक करता है है एक चीज़ों के ऊपर ओके okay. और यस uh, yes, इसके नेगेटिव ट्रेड्स भी है कि ये आर्ग्यूमेंटेटिव होने के कारण नॉट फ्लेक्सीबल हो जाता है, हो जाता है। कहीं पे भी बखेड़ा खड़ा कर सकता है झगड़ालू है झगड़ालू कहेंगे स्टबन है ओके okay. मतलब खुद की बात पे अड़ा रहेगा हाँ अड़ा रहेगा स्टबन है तो लड़ेगा नहीं जाके जैसे मंगल की तरह लड़ेगा नहीं बट स्टबन हो जाएगा अपने आप में मैं सही हूँ मे, जिनकी वाइफ और हस्बैंड चार वाले हैं वो समझ पा रहे होंगे दर्द <laughs> वो बड़ा ही एक <laughs> मेरी उनके पास उनको मनाने जाना पड़ता है खुद नहीं आएंगे आपको मनाने के लिए तो यू नीड टू गो एंड कन्विंस देम कि सब ठीक है सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एंड कई बार डिप्रेस हो जाता है इस कारण से क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो अपने हिसाब से चलेगा बंदा तो डिप्रेस हो जाएगा लेकिन इसके काफी चीजें अच्छी भी है प्रोसेस सेट करने में बड़ा अच्छा है तो जहां पे देखो आपने बात करी सन की तो सन क्या थे हमारे जो है वो देव सभा में बिल्कुल यू नो राजा थे फिर आई रानी बड़ी सोम में बड़ी शांत बड़ी चंचल बड़ी इमेजिनेटिव बड़ी इमोशनल बड़ी टिमिड है ना फिर आए जुपिटर वो कोट पुट पहन के अपना बढ़िया प्रोफेशनल है लेकिन मेडिटेटिव है नॉलेजेबल है सोशल सर्कल वाले हैं बड़ा बोलने का बड़ा शौक है उनको है ना नंबर जब चार आया नंबर चार अपने हिसाब से चलने वाला है इसको गुंडा बोलते हैं राहू इज गुंडा मतलब एक एक देव सभा में एक गुंडा भी चाहिए राजा को सारे लोग चाहिए <laughs> तो गुंडा भी चाहिए राइट राइट सो ऐसा है तो अमित शाह जी इज एग्जाम्पल ऑफ

ओवेसी uh, करके एक बंदा है उवेसी हाँ, बड़ा कंट्रोवर्सी हाँ, में रहे हैं हाँ, वो है एसपी पी बाला सुब्रमण्यम रहे हैं सतीश कौशिक रहे हैं है ना गुरदास मान जी बड़ी पावरफुल वॉइस वो जो है रहे हैं तो ये सब रहे हैं एंड रिस्पॉन्सिबल uh, तो है ये रिस्पॉन्सिबल है रिलेशनशिप में दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल बट दे लैक फ्लेक्सीबिलिटी फ्लेक्सीबिलिटी कहीं ना कहीं लैक कर देते हैं और गैस्ट्रिक इश्यूज, स्टमक इश्यूज, क्रॉनिक डिजीजेस ये भी इनको देखने को मिलती हैं है ना रिलेशनशिप में कई बार स्ट्रगल करते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कम है ये सब बातें हैं और और इसके बारे में जो है इसके कलर्स की बात भी कर लेते हैं इनके जो कलर्स हैं वो इनको ग्रे सूट करता है ब्लू सूट करता है ग्रे सूट करता है डार्क कलर्स इनको सूट करते हैं ये सब कलर सूट करते हैं मीडिया के लिए ये अच्छा नंबर है मीडिया वाले साइड में ये एक अच्छा नंबर माना okay. जाता है ये सब बातें हैं